अशोकनगर के इंदिरा पार्क के पास स्थित नेहरू बालोद्यान में लाइब्रेरी का स्वरूप बदलने की योजना नगरपालिका ने बनाई है। फिलहाल इसका पुराना स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। जहां पहले टेबल और बेंच लगी हुई थी, उनके स्थान पर अब बॉक्स बनाए जा रहे हैं। तकनीक का लाभ शहर के लोग ले सके, इसके लिए कंप्यूटर, वाईफाई और ई लाइब्रेरी की सुविधाएं भी आगामी समय में नगर पालिका शुरू करने जा रही है। छोटी उम्र से देखता था कि नेहरू पार्क में एक वाचनालय और वहाँ लोग जाते थे, अखबार पढ़ते थे, बड़े बड़े टेबल लगे हुए थे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ बदली, अब बच्चे पढ़ने लगे और बच्चों के लिए बॉक्स की आवश्यकता होने लगी और वो अपना मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते। और कई हाईटेक इस तरह की लाइब्रेरी अशोकनगर में भी प्राइवेट रूप से चलाई जा रही हैं, बड़े बड़े शहरों में सरकारी रूप से चलाई जा रही है। तो हमने भी उसके लिए नेहरू वाचनालय में 32 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की है। अभी हम 32 बच्चों को बैठा रहे हैं और इसके 3-4 महीने बाद जैसे भी चालू हो जाएगी तो 64 बच्चों को बैठने की व्यवस्था करेंगे। और इस तरह से व्यवस्था करेंगे कि 9 से 12 बच्चियों को बच्चियां उसमें रहें, 12 से 3 और 3 से 6 तक कॉमन जो रहना चाहे तो रहें, और फिर बाद में जो अगला सत्र होगा 3 घंटे का उसमें फिर बच्चियों को रहेगा। और उसमें हम बॉक्सों में बाकायदा पिन लगा रहे हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, उनकी टैबलेट चार्ज करने के लिए, इस तरह से बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। क्या वाईफाई भी लगाया जाएगा उसमें? वाईफाई लगाया जाएगा, अभी 2 कंप्यूटर पहले से हैं उनको भी चालू कर रहे हैं, उसमें भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और तमाम प्रकार की जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम इस देश में होते हैं उनकी सारी किताबें लाकर वहाँ रखी जाएंगी ताकि बच्चे पढ़ सकें और बेहतर पढ़ाई कर सकें। ई बुक जो आजकल आपने देखा होगा, ई बुक आ रहे हैं डिजिटल बुक जो सिर्फ मोबाइल पर टैबलेट पर सिस्टम पर होती हैं, क्या उनकी भी कुछ प्लानिंग की जा रही है कि वो उनको उपलब्ध हो पाए, वहाँ पढ़ सकें उनको? हाँ, अगले अभी 32 बच्चों के साथ चालू नहीं कर रहे हैं, लेकिन शीघ्र अगले 4-6 महीने में इस तरह की व्यवस्था करेंगे ताकि ई लाइब्रेरी नाम से हम द्विभाषी शिक्षा उपकर के नाम से जनता से लेते हैं, उसका पूरा भरपूर उपयोग करेंगे, बच्चों की पढ़ाई में उसका उपयोग कर सकें। देश में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनकी तैयारी के लिए भी सारी किताबें लाकर लाइब्रेरी में रखी जाएंगी ताकि बच्चे इन्हें पढ़ सके। 4-6 महीने बाद ई लाइब्रेरी प्रारंभ की जाएगी। बता दें, नगरपालिका द्वारा शिक्षा उपकर लोगों से लिया जाता है, इसकी राशि से ई लाइब्रेरी में व्यवस्थाएं की जाएंगी। अशोकनगर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।